हेलो प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, क्या हाल चाल है। सो प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज हम बच्चों फिर से पढ़ने चल रहे हैं एक और प्यारा सा बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज के बच्चों इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है डार्विनवाद। बच्चों को आज मैं पढ़ाने वाला हूं डार्विनवाद। तो प्यारे बच्चों कैसे हो आप सब लोग। और आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं डार्विनवाद को। और डार्विनवाद भी एक बोर्ड एग्जाम में आने वाला बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, ठीक है। तो चलो सब लोग जल्दी जल्दी फटाफट बता दो, ठीक है। यस सर, हम लोग आ गए हैं। सब लोग बड़ा जल्दी जल्दी बता देना। और प्यारे बच्चों जो लोग, ठीक है, उनको नोटिफिकेशन ना पहुंच पाई हो उनको भी बता देना। आज क्या हुआ था कि आज मैं जो हमारी 12th वाली क्लास है, उस 12th वाली क्लास को पता नहीं कैसे मुझसे वो क्लास ऑन हो गई थी, ठीक है। और गलती से मैंने आज 12th वाली क्लास पहले ऑन कर दी थी। तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को ना पता चल पाया हो, तो उनके तक आप बेटा शेयर करके उनको बता दीजिएगा, ठीक है। और मतलब हो गया था, पता नहीं कैसे, मतलब मुझे ऑन करना था 11th वाली क्लास, मैंने ऑन कर दिया था 12th वाली क्लास, ठीक है। तो मैं 12th में लाइव आ गया था। तो बच्चे कहने लगे सर आप अभी कैसे लाइव आ गए। जब बच्चे ने कमेंट किया, मैं बच्चों के कमेंट देखा, तब मुझे लगा अरे यार मैं ये 12th वाली क्लास कैसे ऑन कर दिया। तो गलती से आज मैं 12th वाली क्लास ऑन कर दिया था, है ना। तो सब लोग सोचे यार आज ये कैसे क्लास पहले आ गई। तो फिर मुझे दोबारा से लाइव बनवाना पड़ा। तो दोबारा आप लोगों के लिए लाइव क्लास फिर बनी है, ठीक है। तो जो बच्चों को नहीं पता होगा उनको जरूर बता देना। हो सकता है कि कुछ बच्चे को लगा हो कि अरे यार आज सर पहले आ गए, तो उनको बता दो जल्दी जल्दी कि शशांक सर आ चुके हैं और आज हम फिर से पढ़ेंगे नया टॉपिक बेटा। जी जी भैया जी, बहुत बढ़िया। हाँ चलो सब लोग आ गए हो जल्दी जल्दी। जी भैया, अंशु भैया जी, सोनी कुमारी जी, हाँ रूबी बेटा, बोलो बोलो बेटा रूबी। शशि बाला सर नोटिफिकेशन नहीं आया था आज। शशि बाला बेटा हो सकता है क्योंकि आज 12th वाली क्लास पता नहीं कैसे मैं गलती से पहले ऑन कर दिया था, तो शायद नोटिफिकेशन ना पहुंची हो। तो प्यारे बच्चों ठीक है, सब लोग जो है वो एक बार सबको शेयर कर देना ताकि जिनके तक नोटिफिकेशन ना पहुंची हो वो पहुंच जाए बेटा, और उस बच्चे का लेक्चर का नुकसान ना हो, वो भी बच्चे बेटा आराम से आकर सारी चीज को पढ़ सके। जी भैया क्लियर हो गया। हाँ जी हाँ भैया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ सर ये पाठ कब पूरा होगा। जी भैया ये बहुत जल्द पाठ पूरा हो जाएगा। राजू जी कह रहे हैं सर सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं जी, धन्यवाद। इंद्रजीत कुमार, मेरा नोटिफिकेशन आ जाता है सर, बहुत बढ़िया। जी भैया चलो सब लोगों को, सब लोग आ गए हो। और प्यारे बच्चों अपनी अपनी सीट पर बैठ गए हो कि नहीं, अपनी अपनी सीट पर जरूर बैठा करो। और इसके बाद बेटा हम चलते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। और भैया बायो वाले ना थकते हैं और ना रुकते हैं, तो बायो वाले बच्चे जल्दी जल्दी फटाफट कॉपी और पेन ले लो, सारे टॉपिक को अच्छे से समझना। और बच्चों आप लोगों के लिए खुशखबरी, मैं बता चुका हूं कि शनिवार को मैं जनन स्वार्थ चैप्टर का करा रहा हूं वन शॉट। तो जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो बेटा वीडियो बन चुकी है, आप वीडियोस में जाकर देखना बेटा, आपको दिख जाएगा जनन श्वास का मैं वन शॉट पढ़ा रहा हूं बेटा। आपके हाफ ईयरली के लिए, रिवीजन के लिए मैंने बोला था, तो जनन श्वास का बेटा आपका वन शॉट चलेगा बेटा रिवीजन क्लास में, ठीक है। तो आपका वन शॉट आ रहा है बेटा रिवीजन क्लास के फॉर्म में, रिवीजन क्लास में आपको लेने वाला हूं जनन श्वास का शनिवार को। तो शनिवार को बेटा आपका जनन श्वास का वन शॉट है और बेटा रविवार को आपका मानव जनन का वन शॉट है। और ये जो वन शॉट है बेटा ये हमारा रिवीजन क्लास होगी। बच्चों को मैं हाफ ईयरली एग्जाम के लिए तैयारियां कराऊंगा। और साथ में बेटा जिनके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम हो चुके होंगे वो बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए रिवीजन क्लास जरूर अटेंड कर लेना, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जी भैया जल्दी जल्दी बताना। हाँ चलो जल्दी से बताओ। हाँ भैया बिल्कुल, शनिवार को
जनन श्वास का चैप्टर नंबर 4 का आपका वन शॉट है और रविवार को मानव जनन का मेरा वन शॉट रहेगा, ठीक बेटा, पढ़ाऊंगा मैं। चलो ओके बच्चों, चलो अब सबसे पहले समझो डार्विनवाद। सबसे पहले बेटा डार्विनवाद, हेडिंग लगाएंगे डार्विनवाद। डार्विनवाद बेटा इंग्लिश में कहलाता है डार्विनिज्म। डार्विनवाद को बच्चों मैं इंग्लिश में क्या बोलता हूं, डार्विनिज्म। तो पहले तो प्यारे बच्चों डार्विनवाद को आप क्या बोलोगे, डार्विनिज्म। सर इसको पहले हम ये बोलेंगे। अब बच्चों समझो डार्विनवाद का जो सिद्धांत है बेटा ये मुख्यता किसने दिया था, ठीक है। डार्विनवाद का बेटा जो सिद्धांत है प्यारे बच्चे, जो डार्विनवाद का सिद्धांत है ये बेटा दिया था किसने बच्चों, ये दिया था चार्ल्स डार्विन। तो सबसे पहले पूछा जाए बच्चे कि डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया है बेटा, तो जो से बोलो डार्विन ने दिया था बेटा, ये डार्विन का सिद्धांत मतलब चार्ल्स डार्विन ने डार्विनवाद का सिद्धांत बताया था। यस सर। राजू जी कह रहे हैं सर मैं आपकी क्लास में पहली बार लाइव आया हूं। जी भैया। शशि बाला सर आज थोड़ा जल्दी पढ़ाइए क्योंकि आज मेरे छोटे भाई का बर्थडे है। ओके भैया शशि बाला जी, हाँ आप बर्थडे मनाइए लेकिन बेटा क्लासेस तो उसी तरह चलेंगी। बेटा समझो सबसे पहले ये जो डार्विनवाद है, डार्विनवाद बेटा दिया था चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन का बेटा जन्म हुआ था 12 फरवरी 1809 में बेटा। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाएगा बेटा, डार्विन का पूरा नाम बताओ। तो डार्विन का पूरा नाम चार्ल्स डार्विन। बच्चों डार्विन का जन्म कब हुआ, 12 फरवरी 1809 में। इनका जन्म बेटा इंग्लैंड में हुआ था और इंग्लैंड में एक जगह थी बेटा, इंग्लैंड की जगह का नाम था श्रूसबरी। इंग्लैंड में बेटा एक जगह थी उसका नाम था श्रूसबरी, वहां पास बच्चे डार्विन का जन्म हुआ था। हुआ क्या बेटा, 1831 ईस्वी की बात है। 1831 ईस्वी में कैम्ब्रिज बेटा, आपको पता होगा कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी है बेटा, जैसे हम लोगों के यहां यूनिवर्सिटी चलती है उसी तरह एक यूनिवर्सिटी थी बेटा कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक वनस्पति शास्त्री, वनस्पति शास्त्री को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा बॉटनिस्ट। बेटा ऐसे वैज्ञानिक जो पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उन्हें बेटा हम बोलते हैं बॉटनिस्ट। यस बच्चे वनस्पति शास्त्री बोलते हैं उनको हम लोग, क्लियर। हाँ सर वनस्पति शास्त्री बोलते हैं। और भैया थोड़ा जल्दी जल्दी बताते भी तो चलो। यस सर बिल्कुल बताओ बेटा। जी भैया। हाँ सुजाता कह रही है सर मेरा हाफ ईयरली एग्जाम अक्टूबर में होगा। सुजाता बेटा आपके सारे टॉपिक्स में पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो बेटा। जी भैया यस। यूनिवर्सिटी कहाँ है सर, बेटा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बेटा वहां के एक मतलब प्रोफेसर थे और उन प्रोफेसर का बेटा नाम क्या था, उन प्रोफेसर का नाम था बेटा हैंसलो। तो हैंसलो आपके एक बेटा आपके प्रोफेसर थे, ये एक प्रोफेसर थे और इन प्रोफेसर के साथ ब्रिटिश सरकार की एक जहाज थी बेटा, उस जहाज का नाम था HMS बीगल। तो ये हैंसलो, डॉक्टर हैंसलो और बेटा ब्रिटिश सरकार जो है वो HMS बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर प्रकृति वैज्ञानिक के रूप में काम करने का मौका मिला था। बेटा हुआ क्या था कि ये जो डार्विन है, डार्विन को बेटा डॉक्टर हैंसलो के साथ विश्व सर्वेक्षण जहाज, विश्व का सर्वेक्षण करने वाली जहाज, उस जहाज का नाम था बेटा HMS बीगल। और ये जो जहाज थी बेटा ये पूरे भा मतलब पूरे तरह से बोलो विश्व बोलेंगे, ये बेटा जो HMS बीगल है ये पूरे विश्व के जानकारी को इकट्ठा करने वाली जहाज थी। ये जहाज बेटा क्या करती,
ये जहाज विश्व में अलग अलग पेड़ पौधे और जंतुओं का अध्ययन करने के लिए बेटा निकली थी, और इस जहाज पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हेंसलो भी थे बेटा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हेंसलो थे, और इनके साथ बेटा डार्विन को भी जाने का मौका मिला था इस जहाज पर। तो डार्विन ने बेटा बीगल नामक जहाज पर पूरे विश्व का सर्वेक्षण किया था, इन्हें पूरे विश्व का बेटा इन्होंने अध्ययन किया था, जाना था वहां कौन कौन से पौधे होते हैं। जी भैया हाँ बिल्कुल बेटा, अतुल जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, पहले मेरी बात को जवाब दिया करो। सब लोग बताओ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का नाम क्या था, सब लोग बताओ बेटा जल्दी जल्दी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का नाम बेटा क्या था, जल्दी बताइए सब लोग, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे बेटा उनका नाम क्या था, जल्दी से बताओ, सारी चीजें आपको मैं सिखा दूंगा एक क्लास में पूरा। बच्चे क्या नाम था? जी बेटा बिल्कुल कराया जाएगा, डॉक्टर हेंसलो। स्वैब मलिक जी कह रहे हैं, मोनिका मौर्य जी कह रही हैं, साहिल कुमार जी कह रहे हैं, और जी भैया प्रदीप जी कह रहे हैं बेटा। एक बच्चा कह रहा है सर कल किस टाइम पढ़ाएंगे, बेटा कल सेम वही क्लास बेटा, मैं क्लास 12th को पढ़ाता हूं सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रोज रात को 8 बजे। तो आपको अगर क्लास 12th की बायो पढ़नी है सारी चीजें समझनी है तो सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रोज रात को 8 बजे आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। यस बेटा वेरी नाइस बेटा, डॉक्टर हेंसलो थे, और बेटा जो विश्व का सर्वेक्षण करने वाली जहाज थी, पूरे विश्व के अंदर कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं इसका अध्ययन करने वाली जहाज का नाम क्या था बेटा, इसका अध्ययन करने वाली जहाज का नाम क्या था बेटा, जल्दी बताओ फटाफट, इसका अध्ययन करने वाली जहाज का नाम था बेटा HMS बीगल। इसका अध्ययन करने वाली जहाज का बेटा नाम क्या था? HMS बीगल। जी भैया हाँ जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ। गजेंद्र भैया, मधु बेटा, अमन बेटा जल्दी बताओ, साइलेंट गर्ल बेटा क्लियर एकदम अच्छे से। यस भैया HMS बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज थे बेटा। अब बच्चों क्या हुआ, जब डार्विन इस जहाज पर गए तो डार्विन ने बेटा यात्रा के समय अनेक द्वीपों और महाद्वीपों के जीव जंतुओं को देखा। डार्विन बेटा जब इस जहाज पर गए, जब इस इन्होंने बेटा इस जहाज पर गए तो डार्विन ने बच्चों आपके कई द्वीपों पर गए थे, कई महाद्वीपों पर गए थे, और इनको द्वीपों और महाद्वीपों पर बेटा बहुत अलग अलग प्रकार के जीव जंतु दिखाई दिए थे। जी भैया इन्होंने बहुत अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं को देखा था, और बेटा इन्होंने अपनी किताब में इन जीव जंतुओं के बारे में लिखा था। इनको बेटा जीवाश्म और चट्टानी टुकड़ों के साथ जीव जंतुओं को इकट्ठा किया। कई जीव जंतु चट्टानों पर बेटा छपे हुए थे, तो इनको कई जीव जंतु जो है बेटा वो चट्टानों पर अवशेष के रूप में भी प्राप्त हुए थे, तो इनको कई जीव जंतु बेटा मतलब जीवाश्म के रूप में भी प्राप्त हुए थे। बेटा इनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? बेटा ये जो आपकी जहाज है, इस जहाज का सबसे बड़ा उद्देश्य था बेटा एक द्वीप, कौन सा वो द्वीप था बेटा? गैलापागोस द्वीप बेटा। इस जहाज का या इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य गैलापागोस द्वीप के बारे में जानना था बेटा।
गैलापागोस बेटा एक द्वीप है बेटा। सर आपकी तबीयत तो ठीक है ना, क्योंकि आज आप धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। हाँ मैं कह सकता हूं कि मेरी थोड़ा सा मुझे मतलब आज हल्का सा जुकाम टाइप का है, क्योंकि कल रात को जब मैं आप लोगों को पढ़ाया था तो कल रात को पढ़ाने के बाद थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब जब मैं पढ़ाया, पढ़ाने के बाद मैं थोड़ा सा बैठा, तो पढ़ाने के बाद जब मैं थोड़ा सा कल बैठा तो मतलब अजीब सा लगने लगा, जैसे लग रहा था कि अंदर से फीवर वगैरह है। तो क्लास लेने के बाद मतलब फीवर वगैरह जैसा लगने लगा था, तो मैं थोड़ी देर बैठा कि शायद फीवर ठीक हो जाए। फिर उसके बाद फीवर ठीक नहीं हुआ, और जैसे ही मैं घर निकलने के लिए सोचा, रास्ते में आया, बहुत तेज बारिश होने लगी। तो अंदर से फीवर लग रहा था और ऊपर से बारिश होने लगी, और उसमें मैं भीग गया। तो मतलब एक होता है ना कि क्या बोलते हैं, गरीबी में आटा गीला है ना, एक कहावत है। तो वही हुआ, मैं फीवर भी था, मतलब अंदर से फीवर भी आ रहा था, ऊपर से भीग भी गया, तो गरीबी में आटा गीला हो गया। मतलब पहले तो बीमार, मतलब अंदर से बुखार, ऊपर से बारिश भी आ गई, तो बारिश में भीग कर मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा था आज सुबह से ही, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। हाँ भाई, आप लोगों का प्यार रहेगा तो मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा, ठीक है। चलो सर पैरासिटामोल खा लीजिए। हाँ हाँ अभी थोड़ा ठीक लग रहा था इसलिए मैंने मेडिसिन नहीं खाया है, अगर लगेगा तो मेडिसिन खा लूंगा फिर मैं। जी भैया। दवाई लेते हैं, हाँ दवाई ले लूंगा, अगर ठीक नहीं लगेगा तो दवाई जरूर लूंगा, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं बच्चे, अब समझो बेटा। तो ये जो यात्रा है बेटा, ये जो यात्रा की गई थी बीगल जहाज के द्वारा, ये जो बीगल जहाज के द्वारा बेटा यात्रा की गई थी, ये यात्रा का मुख्य उद्देश्य था गैलापागोस। गैलापागोस में बेटा बहुत अलग अलग प्रकार के यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते थे, तो इस यात्रा का उद्देश्य था गैलापागोस द्वीप की बेटा क्या करना, गैलापागोस के द्वीप के बारे में जानना, उसका सर्वेक्षण करना। सर्वेक्षण का मतलब होता है वहां की जानकारी प्राप्त करना बेटा। जी भैया क्लियर हो गया। चलो तो बच्चों भारत की जनता है, फोटो खींचना बनता है, जल्दी से बेटा इसकी फोटो खींच लीजिएगा सब लोग। हाँ बेटा जल्दी जल्दी फोटो खींचना फटाफट, और इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग आगे। देखो अब तो गैलापागोस पर बेटा जो आपके डार्विन थे, डार्विन ने गैलापागोस पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं को देखा बेटा। चलो एक बच्चा कह रहा सर जी आप 130 साल के एज के हो गए हैं और आपको अब ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए। हाँ भाई चलो कोई नहीं बेटा, मैं जब तक शरीर में अंतिम सांस रहेगी तब तक भागा दौड़ी करूंगा। मतलब जब तक बेटा मेरे शरीर में अंतिम सांस है आपको तब तक पढ़ाता रहूंगा। तो भैया बायो वाले ना डरते हैं और ना झुकते हैं, है ना भैया, ना थकते हैं और ना झुकते हैं। तो बायो वाले हैं भैया, हम ना थकेंगे और ना रुकेंगे, अंतिम सांस तक एग्जाम को मन से देंगे, ठीक है भैया, और पूरे एग्जाम को क्वालिफाई भी करेंगे। अब बायो वाले हैं तो अंतिम सांस तक पढ़ाएंगे भी। जी सर जी सर जी सर, क्लियर हो गया। चलो अब बच्चे आगे समझो। तो ये जो आपके डार्विन थे, इन्होंने बेटा दक्षिणी अमेरिका की मुख्य भूमि बेटा, अब जैसे एक बच्चा पूछ रहा होगा सर ये, हाँ भैया बायो वाले ना थकते हैं और ना रुकते हैं, और मेरा आधार मेरी पहचान आप लोग बनाओगे इस देश को महान। तो बेटा आज सबसे पहले समझो जल्दी से कि ये जो आपके गैलापागोस द्वीप थे बेटा, गैलापागोस जो द्वीप था बेटा, ये दक्षिणी अमेरिका, ये पहले जो है ये पहले दक्षिणी अमेरिका की भूमि हुआ करती थी। मतलब ये दक्षिणी अमेरिका के हिस्से में पाया जाता था बेटा, और डार्विन को
जब डार्विन गैलापागोस द्वीप पर गए तो डार्विन को बेटा गैलापागोस द्वीप पर, जी बेटा डार्विन को गैलापागोस द्वीप पर बेटा अलग अलग प्रकार के कुछ जंतु दिखाई दिए थे। जैसे डार्विन को एक जंतु दिखाई दिया था, इसका नाम था रिया। डार्विन को बेटा गैलापागोस द्वीप पर एक जंतु दिखाई दिया था जिसका नाम था रिया। और ये जो रिया था बेटा, ये शुतुरमुर्ग की तरह एक पक्षी था बेटा, जो दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते थे। और दक्षिणी अमेरिका के ही अलग अलग जगहों पर समान रूप से नहीं थे। डार्विन ने देखा कि इनको गैलापागोस द्वीप पर एक जंतु मिला था जो शुतुरमुर्ग की तरह दिखाई दे रहा था। लेकिन डार्विन ने देखा कि गैलापागोस के अलग अलग जगहों पर ये जो जंतु है ये बेटा अलग अलग तरीके से था, मतलब इनके लक्षण अलग अलग थे। जी बेटा जी, हाँ बहुत बढ़िया, क्लियर बेटा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गैलापागोस द्वीप पर डार्विन को शुतुरमुर्ग की तरह कौन सा जंतु मिला था, क्या बताओगे बेटा? जल्दी बताओ बेटा। जी जी बेटा, जल्दी बताओ, डार्विन को गैलापागोस द्वीप पर शुतुरमुर्ग की तरह कौन सा जंतु मिला था? हाँ भैया, डार्विन ने आपका नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। जल्दी बताओ। हाँ भाई, हाँ भाई, रिया ने, रिया 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 है ना। और प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि रिया नाम से आप सभी लोग परिचित होंगे, क्योंकि आप जानते हो कि हमारे भारत के बहुत होनहार एक्टर जिनका नाम था सुशांत सिंह राजपूत, और सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में नहीं है अब, बट उनकी एक्टिंग हम सभी लोगों के बीच में है। और सुशांत सिंह राजपूत जी वन ऑफ द बेस्ट एक्टर, मतलब मेरे फेवरेट में से तो सुशांत सिंह राजपूत जी आते हैं। बहुत गजब की एक्टिंग किया करते थे, और मेरे ख्याल से शायद आपने उस समय नाम जरूर सुना होगा, है ना। मुझे लग रहा है आपने जरूर सुना होगा, उस समय नाम आ रहा था रिया रिया रिया। तो ये वो वाली रिया नहीं है बेटा, वो वाली रिया नहीं है, ये गैलापागोस द्वीप पर पाया जाने वाला जंतु है भैया, है ना। तो कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए कि सर वो वाली रिया तो नहीं है, पता चला चली गई हो गैलापागोस द्वीप पर। नहीं, वो वाली रिया नहीं है, ये आपकी जंतु वाली रिया है, मतलब ये आपका बेटा गैलापागोस द्वीप पर पाया जाने वाला एक पक्षी है बेटा। और ये शुतुरमुर्ग की तरह दिखाई देता था, लेकिन बेटा ये अलग अलग जगहों पर समान रूप से नहीं थे, मतलब अलग अलग जगहों पर इसके लक्षण बेटा थोड़ा अलग अलग हो जा रहे थे। जी भैया, इसके लक्षण जो है वो थोड़े अलग अलग बेटा दिखाई दे रहे थे अलग अलग जगहों पर। अब समझो बेटा, दूसरा है आर्माडिल्लो। दूसरा क्या है बेटा? आर्माडिल्लो। दूसरा बेटा इनको कौन सा मिला था? चलो हाँ बिल्कुल, दूसरा इनको जो जंतु मिला था बेटा वो मिला था आर्माडिल्लो। इनको दूसरा जंतु मिला था बच्चे कहां पास? गैलापागोस द्वीप पर, उसका नाम था आर्माडिल्लो। और आर्माडिल्लो के बेटा इनको मिले थे जीवाश्म। इनको आर्माडिल्लो का क्या मिला था बेटा? जीवाश्म, गैलापागोस द्वीप पर। और ये जो आर्माडिल्लो है बेटा, ये आर्माडिल्लो आज भी पाया जाता है। प्यारे बच्चों, ये जो आर्माडिल्लो है बेटा ये आज भी धरती पर पाया जाता है। लेकिन डार्विन को बेटा, डार्विन को जो आर्माडिल्लो मिला था, ये आर्माडिल्लो बेटा बहुत बड़े बड़े थे। तो डार्विन को गैलापागोस द्वीप पर आर्माडिल्लो का जीवाश्म मिला था, लेकिन ये जो आर्माडिल्लो है बेटा ये आज के
आर्माडिलो से बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। तो डार्विन को गैलापागोस द्वीप पर आर्माडिलो नाम का बेटा भी जंतु मिला था। जी जी भैया, बहुत बढ़िया, सब बच्चों क्लियर हो गया है? जी बेटा, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया बेटा एकदम अच्छे से। हाँ सर, आप मेरा नाम कभी नहीं लेते हैं, शिवम प्रजापति जी हैं। शिवम प्रजापति जी, आपका नाम बिल्कुल मैं ले लेता हूं, है ना? सब लोग बताओ बेटा, सब लोगों को सारी बातें इतनी क्लियर हैं? प्यारे बच्चे जल्दी एक बार बता दो मुझे फटाफट। यस सर। सर ये आर्माडिलो क्या होता है? आर्माडिलो बेटा एक जंतु है, ठीक है बेटा, चलो अनोखा बेटा, चलो आगे समझो। अब बेटा आगे समझो, इसके अलावा बच्चे जो आपके डार्विन थे, डार्विन ने बेटा पक्षियों में सबसे ज्यादा विविधता देखी बेटा। बेटा डार्विन जो है बच्चे, ये आपके जो डार्विन थे बेटा, ये डार्विन को सबसे ज्यादा विविधता, मतलब डार्विन को सबसे ज्यादा जो अलग अलग प्रकार के जंतु दिखाई दिए थे बेटा गैलापागोस द्वीप पर। मेरे प्यारे बच्चों सारी बात को बहुत ध्यान से रखना, मैं जो भी जंतु बता रहा हूं वो कौन से द्वीप पर पाए जाते हैं बेटा? गैलापागोस द्वीप पर। तो बच्चों इनको गैलापागोस द्वीप पर सबसे अलग अलग प्रकार के जो जंतु मिले थे वो बेटा पक्षी थे। सबसे अलग अलग प्रकार के बेटा इनको क्या मिले थे? पक्षी मिले थे बेटा। जी भैया, विक्रम भैया सबको आ गया? जी भैया क्लियर? हाँ, तो डार्विन को सबसे ज्यादा जो पक्षी मिले थे बेटा, अलग अलग प्रकार के डार्विन को सबसे ज्यादा पक्षी मिले थे बेटा। तो आपको यह बात का बहुत ध्यान रखना है कि गैलापागोस द्वीप पर सबसे ज्यादा डार्विन को पक्षियां दिखे थे अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के। और इन पक्षियों को बेटा, इन पक्षियों को फिंचेस नाम दिया गया। ये जो पक्षी थे बेटा गैलापागोस द्वीप पर, जो पक्षी पाए जाते हैं गैलापागोस द्वीप पर, डार्विन को जो पक्षी मिला था बेटा, उन्होंने इसका नाम क्या दिया था? फिंचेस। गैलापागोस द्वीप पर जो बच्चों आपको पक्षी मिले थे उनको क्या कहा गया था बेटा? उनको कहा गया था फिंचेस। और एक डॉक्टर बेटा, एक वैज्ञानिक, डॉक्टर का मतलब यहां पास है बेटा वैज्ञानिक, यहां डॉक्टर का मतलब बेटा वैज्ञानिक होगा, एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था डॉक्टर डेविड लैक। और डॉक्टर डेविड लैक ने बेटा डार्विन की फिंचेस, बेटा डार्विन ने बोला था फिंचेस, गैलापागोस द्वीप पर जो चिड़िया पाई जाती है, डार्विन ने इनको बोला था बेटा फिंचेस। लेकिन बच्चों ये जो डॉक्टर डेविड लैक थे, डॉक्टर डेविड लैक ने इन चिड़ियों को बोला था बेटा, इन पक्षियों को उन्होंने क्या नाम दिया था? डार्विन फिंचेस। तो इन वैज्ञानिक ने क्या बोल दिया था इसे? इन वैज्ञानिक ने इन पक्षियों को बोला था डार्विन फिंचेस। ये गैलापागोस द्वीप पर पाए जाने वाले पक्षी हैं, और बहुत अलग अलग प्रकार के पक्षी बेटा डार्विन को दिखाई दिए थे। अच्छा जल्दी बताओ बेटा, क्लियर हो गया? प्यारे बच्चों क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ। ओ भाई जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ बेटा? गैलापागोस द्वीप पर पाए जाने वाले पक्षी का नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। गैलापागोस द्वीप पर बेटा पाए जाने वाले पक्षियों का नाम बताओ, जल्दी से नाम बताओ प्यारे बच्चों, तुरंत बताओ। शिवम प्रजापति बेटा, शिवम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ध्यान से पढ़ो बेटा, ठीक है? और एक मैसेज को एक बार करो बेटा शिवम, है ना? क्या बोला गया? फिंचेस, फिंचेस, हाँ फिंचेस, डार्विन फिंचेस। यस बेटा, इन पक्षियों को डार्विन फिंचेस या फिंचेस कहते हैं। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, क्लियर हो गया? डार्विन फिंचेस कहते हैं, बहुत अच्छा बेटा, सबको क्लियर हो गया। तो बेटा नोट करो जल्दी से, जो बच्चों को फोटो खींचना है बेटा जरूर से जरूर फोटो खींच लीजिए, भारत की जनता है और भैया फोटो खींचना तो बनता है, तो शुरू से यहां से फोटो खींचिए बेटा, डार्विन वाद की शुरुआत यहां से। और बच्चों आपके बगल में एक छोटी सी बटन है, उसका नाम है शुभ चिंतक। वो बटन आपके एग्जाम की चिंता कर रही है,
उसको बता दो कि हमारी चिंता मत करो, हम पढ़कर अच्छे नंबर लाएंगे। तो उस बटन को बता दो कि बायो वाले ना थकते हैं और ना रुकते हैं। तो आपके बगल में एक बटन होगी, उस बटन को देखो और उस बटन को बता दो कि बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं। क्योंकि अगर वो बटन रुक गई मतलब बायो वाले थक गए, और आपको बताना है कि बायो वाले थकते हैं कि नहीं थकते हैं। जी बेटा जी, हाँ बिल्कुल, हाँ भाई क्लियर हो गया। चलो हाँ, बच्ची कह रही है बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं। ये मुझे कैसे पता चलेगा? जब वो बटन ना रुकेगी। अगर वो बटन रुक गई तो मैं समझ जाऊंगा बायो वाले थक गए, तो बटन रुकनी नहीं चाहिए बच्चों। चलो क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं डार्विनवाद की अवधारणाएं एवं उनके सिद्धांत। तो अब मैं बच्चों को बताने वाला हूं कि डार्विनवाद का सिद्धांत क्या कहता है, डार्विन ने क्या बताया, डार्विन ने समझाया। बेटा जी बेटा, साइलेंट गर्ल, ओके बेटा ओके, साइलेंट गर्ल, साइलेंट गर्ल कह रही है सर मैंने लाइक नहीं किया है, मैं लाइक करना भूल गई हूं। कोई बात नहीं भैया, आप लाइक करना भूल जाओ कोई बात नहीं, तो फिर दुनिया कहेगी बायो वाले थक गए, फिर भैया मतलब सुन लूंगा मैं और क्या। अगर लोग कहेंगे बायो वाले थक गए तो फिर मैं सुन लूंगा कि हाँ भाई, जब बायो वाले पता चला कि आए एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी वो बटन है, आए उस बटन को बढ़ा ही नहीं रहे हैं, तो मतलब बायो वाले थक गए, तो फिर लोग सुनाएंगे, मैं सुनूंगा और इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता हूं। और अगर आप रहोगे तो आप इस चीज को गलत साबित करोगे कि नहीं सर, बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं। तो जल्दी जल्दी बस आप लोगों का प्यार रहना चाहिए भैया। जी भैया हाँ क्लियर, चलो हम लोग थकने वाले में से नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो लेंगे बेटा, लेंगे क्लासेस पर भी। चलो हेमंत बेटा, मेरा नाम नहीं लेते सर, हेमंत बेटा आपका नाम मैंने ले लिया। इश्मिता जी, सर हम लाइक कर दिए हैं जी, आपका प्यार है ये जो आपकी बटन है, ये जो बटन होती है ये आपका बस प्यार को बताता है कि कौन कौन से बच्चे अपने पढ़ाई को लेकर एकदम सीरियस हैं, कौन कौन से बच्चे अपने एग्जाम को लेकर एकदम सीरियस हैं, कौन कौन से बच्चे इस साल 95+ नंबर बायो में लाना चाहते हैं। तो ये आपके प्यार को बताता है और कुछ नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये आपका प्यार रहता है। मैं देखता हूँ ये बच्चों का प्यार है तो बस अंदर से ये देखकर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी भाई बाकी क्या, कुछ नहीं, बाकी उससे कोई मतलब ही नहीं है फिर तो, बस ये केवल आपका प्यार रहता है। और आपका प्यार का प्यार, आपका सपोर्ट, आपका पढ़ाई देखकर, आप सारी चीजों को बड़े अच्छे से पढ़ते हो तो भाई ये देखकर फिर अच्छा लगता है। क्लियर, चलो कलेजा खुश हो गया, सारी चीजें बेटा समझ में आई। अब जो आगे समझो, डार्विनवाद की अवधारणाएं, डार्विन ने क्या बताया बेटा, डार्विन ने समझाया कि आखिर जीवों का विकास कैसे हुआ, ठीक है। जी बेटा रोज रॉय, सर मुझे टाइम नहीं पाता कितने बजे लाइव आऊं, बेटा 12th की लाइव चलती है रात को 8 बजे बेटा, ठीक है। सुनो बेटा जल्दी से, अब सुनो जल्दी से, डॉक्टर सूरज कुमार पटेल, बेटा 12th की क्लास चलती है रात को 8 बजे, ठीक है 8 बजे बेटा मैं आपको हमेशा मिलता हूं। बेटा समझो, डार्विन ने क्या बताया, डार्विन ने बताया कि कैसे जीवों का विकास हुआ है। तो डार्विन ने सबसे पहले बताया बेटा कि अतिजनन, हाँ डार्विन ने बताया कि जीवों का विकास, डार्विन ने बताया कि जो जीवों का विकास होता है वो अतिजनन की वजह से होता है। मतलब अतिजनन का मतलब होता है बहुत सारे जीवों का निर्माण करना। आपको पता होगा कई जंतु हैं वो एक बार में कई संतानों का निर्माण कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों,
पहला डार्विनवाद का पहला सिद्धांत था अतिजनन। अतिजनन का मतलब बच्चों, मतलब जीवों में अपने जैसी नई संतान उत्पन्न करने की बहुत अधिक क्षमता पाई जाती है। तो डार्विन का जो पहला सिद्धांत है बेटा वो है अतिजनन। डार्विन का दूसरा सिद्धांत होता है अस्तित्व के लिए संघर्ष। बच्चों आप सब जानते हो कि हम लोगों को भोजन के लिए, जल के लिए, रहने के लिए आपस में संघर्ष करना पड़ता है। तो हम सबको जीवन बेटा, हम सबको जीवित रहने के लिए बेटा आपस में क्या करना पड़ता है, संघर्ष। जी बेटा, तो प्यारे बच्चों पहला आपका हो गया अतिजनन, दूसरा हो गया अस्तित्व के लिए संघर्ष, तीसरा बच्चों क्या होगा, तीसरा होगा प्राकृतिक विभिन्नताएं। बेटा आपको पता होगा कि वातावरण की वजह से हमारे शरीर में कुछ नए लक्षण आ जाते हैं और हमारे शरीर में जो नए लक्षण आते हैं बेटा वो आपका होता है प्राकृतिक विभिन्नताएं। तो डार्विन ने बताया कि विभिन्नताओं की वजह से, बच्चों डार्विन ने क्या बताया कि विभिन्नताओं की वजह से हमारा क्या आ जाता है बेटा, मतलब जीवों का विकास होता है विभिन्नताओं की वजह से भी बेटा। ये सारे सिद्धांत बेटा डार्विन के हैं। अब बच्चों समझो, चौथा सिद्धांत योग्यतम की उत्तर जीवता। बेटा ये आपका चौथा रहेगा सिद्धांत, योग्यतम की उत्तर जीवता क्या कहता है बेटा। डार्विन ने बोला कि जो जीव ज्यादा योग्य रहेगा वो जीव धरती पर जीवित रहेगा। इसका मतलब होता है कि अगर आप अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लोगे तो आप जीवित रहोगे, और अगर आप अपने आप को वातावरण के अनुसार नहीं ढाल पाओगे तो बेटा आप क्या हो जाओगे, धरती से विलुप्त। तो प्राकृतिक वर्ण या इसी का एक और नाम है योग्यतम की उत्तर जीवता, मतलब धरती पर वो जीव जो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा बेटा, धरती पर वो जीव जो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा वही बच्चों धरती पर जीवित रहता है, और इसको हम लोग पढ़ेंगे चौथे सिद्धांत में। और बच्चों पांचवा सिद्धांत है नई जातियों की उत्पत्ति। इनका कहना था बेटा, इनका कहना था कि ये जो आपका नई जाति बन जाती है, नई जाति कैसे बनती है बेटा, जैसे मान लो मेरे अंदर नए नए लक्षण आने लगे बेटा, जैसे मान लो मैं अभी सब बताऊंगा बेटा, मैं अभी सबको आपको बताऊंगा, ये मैंने अभी आपको समझा रहा हूं, अभी मैं आपको सबका बेटा एक एक पॉइंट पूरा समझाऊंगा। फिर से बेटा नई जातियों की उत्पत्ति कैसे होती है, जैसे मैं मान लो मेरे अंदर नए नए लक्षण आने लगे, मेरे अंदर जब नए नए लक्षण आने लगेंगे तो अंत में मैं एक कहलाऊंगा एक नई जाति। अगर किसी जीव में नए नए लक्षण आ जाते हैं तो बेटा उसी को बोलते हैं हम लोग क्या बेटा, नई जाति। तो नई जातियों की उत्पत्ति भी बेटा एक तरह से क्या होती है, जीवों का विकास करती है। तो बेटा जैव विकास, इनका कहना था कि इन चीजों की वजह से बेटा जैव विकास होता है। आदित्य सिंह पूछ रहे हैं सर डार्विन कहां के थे, डार्विन बेटा इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड। बेटा जल्दी से नोट करो फटाफट। अच्छा भारत की जनता है, फोटो खींचना बनता है, ठीक है बेटा जल्दी से फोटो खींच ली जल्दी से। डार्विन के कौन कौन से सिद्धांत हमको पढ़ना है बेटा जल्दी से नोट करो, अभी मैं आपको सारे सिद्धांत पढ़ाऊंगा। सर मैं ऑफलाइन कोचिंग नहीं जाती हूं, बस आपसे बायोलॉजी पढ़ती हूं। कोई बेटा आप सारा जो भी ऑफलाइन कोचिंग में जो भी पढ़ाया जाता है उनसे हमेशा ज्यादा ही पढ़ाऊंगा बेटा आपको। आप अगर ऑफलाइन कोचिंग नहीं जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरा पहला चैप्टर देख लो, दूसरा चैप्टर देख लो, तीसरा देख लो, चौथा देख लो, ठीक है, पांचवा भी मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर किसी बच्चे को मेरा पांचवा चैप्टर पढ़ना है बेटा, अगर किसी बच्चे को मेरा पांचवा चैप्टर पढ़ना है और उसे मेरा पांचवा चैप्टर ना मिल रहा हो तो बेटा आप सर्च कर लिया करो, आप यूट्यूब पर सर्च कर लो क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी चैप्टर फाइव,
और यहां पास लिख देना बेटा 22 दशांश सेपियंस। आप मेरा नाम जरूर लिख दिया करो, क्योंकि जब आप मेरा नाम लिखोगे तो आपको YouTube पर मेरी क्लासेस पूरी मिल जाएंगी। तो मैंने बेटा YouTube पर चैप्टर नंबर 5 भी पढ़ाया हुआ है, वन शॉट वीडियो है, आप पढ़ सकते हो। फिर इस साल मैं आपको फिर पढ़ा दूंगा चैप्टर नंबर 5 सब लोग पढ़ लेना। चैप्टर नंबर बेटा 7 पढ़ा ही रहा हूं, पिछले साल की वन शॉट भी है, वन शॉट भी आप जरूर देख लिया करो बेटा। जी बेटा, प्यारे बच्चों, आप वन शॉट वीडियो भी जरूर देख लिया करो। मैंने एक चैप्टर के वन शॉट पढ़ाए हुए हैं, वन शॉट से आप रिवीजन जरूर कर लिया करो बेटा। आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो मेरी ये वाली क्लासेस पढ़िए, और अगर आपको रिवीजन करना है तो वन शॉट से बेटा आप रिवीजन जरूर किया करो। जी भीष्मा कह रही है सर मैं भी सिर्फ आपसे ही पढ़ती हूँ। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, आपको मैं पूरा एकदम एक एक कंटेंट पढ़ा रहा हूँ बेटा, और इस साल आपको मुझे बोर्ड एग्जाम में टॉप कराना है तो आपको सारी चीज बेटा एकदम अच्छे से पढ़नी है एकदम। क्लियर बेटा? चलिए, हाँ क्लियर, ओके बेटा। चलो इसको सब लोग बेटा सर्च कर लेना, आराम से पढ़ लेना बेटा चैप्टर नंबर 5 भी। चलो अब बच्चों हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे इन सिद्धांतों को डिटेल में पढ़ने के लिए। तो प्यारे बच्चों को मैं सबसे पहला सिद्धांत क्या पढ़ाऊंगा, अतिजनन। अतिजनन क्या है बेटा? अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जाति में संतान उत्पन्न करती है। बेटा आपको पता होगा कि अपने जैसी संतान, बेटा अरुण जी बेटा आप ऐप पर ही पढ़ता हूं। अच्छा बहुत बढ़िया सर, हम भी ऑफलाइन नहीं जाते हैं, पहले आपसे पढ़ा था जी, अब भी आपसे पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। चलो हाँ भैया, चलो बेटा ध्यान समझो अब। तो अतिजनन का क्या मतलब होता है कि कोई भी जीव अपने आप को धरती पर बनाए रखने के लिए बेटा वो क्या करता है, जनन, मतलब अपने जैसी नई संतान को बनाता है। तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जाति की जो संतान है वो बेटा क्या करती है, प्रत्येक जाति बेटा संतान उत्पन्न करती है। बेटा मानव अपने जैसी नए मानव को क्यों बनाता है बेटा? ठीक है, यस मैं आपसे 11 से ही पढ़ रही हूं और किसी से नहीं, मोनिका जी बेटा बहुत बहुत धन्यवाद जी बेटा। तो प्यारे बच्चों हम लोग अपने जैसे संतान क्यों बनाते हैं, ताकि धरती पर मानव की जो जाति है वो हमेशा पाई जाए, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी इनका अस्तित्व बना रहे। बेटा आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे आप बेटा पहले तो भारत की जनता है भैया, इसकी फोटो खींचना बनता है बेटा, जल्दी से इसकी फोटो खींच लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं बेटा, जैसे आपका एक उदाहरण है बेटा, आपने नाम सुना होगा सीपी, बच्चे आपने नाम सुना है सीपी का नाम, सीपी आपने देखा है बेटा, सीपी सीपी रहता है, इसके अंदर मोती पाई जाती है। प्यारे बच्चों आपने सीपी का नाम सुना है बेटा, सीपी का नाम। और जो जो बच्चे अभी तक भैया बटन बढ़ाए नहीं होंगे, जो जो अभी तक लाइक की बटन को बढ़ाए नहीं होंगे, वो जल्दी जल्दी उस प्यारी सी लाइक की बटन को जरूर बढ़ा देना, क्योंकि इस बार 95 प्लस लाना है। तो जिनको जिनको 90+5 बेटा, ठीक है, जिनको जिनको 95 प्लस लाना है लाइक के बटन बढ़ाना है। चलो भैया क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, क्लियर हो गया अच्छे से जी भैया। तो ये आपका सीपी होती है, और आप देख सकते हो बेटा सीपी जो होती है वो एक बार में 10 लाख अंडे देती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो बेटा, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी ज्यादा क्षमता पाई जाती है सीपी में। सीपी में अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की बेटा बहुत अधिक क्षमता पाई जाती है सीपी में बेटा। यस, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा अतिजनन का। इसी तरह बेटा सालमन मछली है, सालमन एक मछली है बेटा, और ये मछली बेटा एक बार में है ना, एक जनन ऋतु में, एक बार जनन के मौसम में बेटा, ये एक बार जनन के मौसम में कितने अंडे देती है बेटा, जल्दी बताओ फटाफट कितने अंडे देगी बेटा? 2,80,00,000 अंडे देती है बेटा। ये आपके कितने अंडे देती है बेटा एक बार में? 2,80,00,000 अंडे बेटा।
देख रहे हो बेटा कितनी बार। जी हाँ, चंदू चंदू कह रहा है थैंक यू, ऐसा सर बोलेंगे। चलो भैया क्लियर हो गया। तो सालमन मछली बेटा 2 करोड़ 80 लाख अंडे देती बेटा एक बार के मौसम में। देख रहे हो, देख रहे हो, हम लोगों को लगता है इंसान है सबसे ज्यादा है ना भैया। और इस समय बेटा सब लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, जो अभी वीडियो को देख रहे हो और जो बाद में वीडियो को देख रहे हो, सब लोग मुझे बताना कि भारत की इस समय आबादी कितनी है। एक बार सब लोग कमेंट कर देना, इतने लाख अंडे ये देती है, इतने करोड़ अंडे ये देती है, तो मानव भी पीछे नहीं रहेंगे, हम भी पीछे नहीं रहेंगे। सब लोग कमेंट करके बताना कि भारत की जनसंख्या इस समय कितनी है बेटा। चलो कमेंट करके बताना बेटा जरूर। अब बताओ बेटा, इसके बाद देखो बेटा, अस्तित्व के लिए संघर्ष। आप सबको पता है कि कोई भी जीव होगा वो बेटा भोजन के लिए, आवास के लिए, साथी के लिए, जनन के लिए, धूप के लिए, पानी के लिए आपस में संघर्ष करता है। तो जीवों में ये जो संघर्ष होता है बेटा, ये 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला संघर्ष है अंतः जाति संघर्ष। बेटा एक ही जाति मतलब अंतः जाति है, तो अंतः जाति का मतलब क्या होता है बेटा, एक ही जाति के सदस्यों के बीच। जैसे मान लो एक शेर है और दूसरा भी शेर है, दोनों एक ही जाति के हैं। अब ये दोनों भोजन के लिए आपस में संघर्ष कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, एक ही जाति के सदस्यों के बीच जो संघर्ष होता है उसको हम बोलते हैं अंतः जाति संघर्ष। लेकिन बेटा अगर मान लो एक भोजन को शेर खा रहा है और उसी भोजन को खाने के लिए गिद्ध आ गया, तो शेर अलग जाति का है और जो गिद्ध है वो अलग जाति का है। तो शेर और जो गिद्ध है, या शेर और लकड़बग्घा मान लो, है ना, कितने लोगों ने लकड़बग्घा का नाम सुना होगा, कितने लोगों ने लकड़बग्घा का नाम सुना है बेटा। ठीक है, तो जैसे मान लो शेर खा रहा है, लकड़बग्घा आ गया और वो भी उस खाने को खाना चाह रहा है, तो यहां पास शेर अलग जाति का है और लकड़बग्घा अलग जाति का है। तो अलग अलग जातियों में जब बेटा संघर्ष होता है तो इस संघर्ष को बोलते हैं अंतर जाति संघर्ष, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। तो अलग अलग जातियों में कौन सा संघर्ष होगा बेटा, सब लोग वीडियो में कमेंट करके बताना। और आप लोगों ने कभी शेर को देखा है, अगर देखा होगा तो कमेंट करके बता देना, हाँ सर हमने शेर और तो देखा है। जी भैया, जी सर सुना है। चलो बहुत बढ़िया। अब बेटा तीसरा संघर्ष होता है वातावरणीय संघर्ष। बेटा जीवो जो जीव होते हैं और वातावरण, आप सब देखते हो कि हम लोग वातावरण से भी संघर्ष करते हैं बेटा। वातावरणी संघर्ष मतलब जीवों और वातावरणी कारकों के बीच होने वाले संघर्ष को बोलते हैं वातावरणी संघर्ष। जीवों और वातावरणी कारकों के बीच होने वाले संघर्ष को बोलते हैं वातावरणी संघर्ष। तो जैसे बेटा अगर बहुत तेज बारिश होने लगती है तो हमें दिक्कत हो जाती है, बहुत तेज धूप निकल आती है तो हमें दिक्कत हो जाती है, बहुत तेज अगर आंधी चलने लगी तो हमें दिक्कत हो जाएगी, बहुत तेज अगर धूल उड़ रही है तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो वातावरणी कारक में क्या क्या आता है बेटा, ताप, धरती का ताप बढ़ेगा दिक्कत हो गई, धरती पर बहुत बारिश हो गई दिक्कत हो गई, धरती पर बहुत बारिश हो गई तो भी दिक्कत हो गई, है ना, और धरती पर बहुत तेज धूप आ रही है तो भी दिक्कत है। तो ये वातावरणीय कारक है बेटा और इनसे हमें बेटा संघर्ष करना पड़ता है। बोलो भैया हाँ कि ना।
और कौन कौन लोग भैया धूप में स्कूल जाते हैं और कौन कौन बच्चे धूप में स्कूल से आते हैं, जरा सा कमेंट करके बताना मुझे इस वीडियो में। वो कौन कौन से बच्चे हैं जो धूप से संघर्ष करते हैं स्कूल से आते समय, स्कूल से आते समय बहुत तेज धूप लगती है, तो वो कौन कौन से बच्चे हैं भैया जो धूप से संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, स्कूल जाते समय बताना मुझे फटाफट। जी भैया सब लोग बताना, ठीक है, चलो फोटो खींच लो भैया जल्दी से, जिन बच्चों को फोटो खींचना है बेटा ये फोटो खींच लेंगे सब लोग जल्दी से इसकी, ठीक है, ये यहां से फोटो खींच लेना, यहां से शुरुआत एकदम, यहां से शुरुआत से फोटो खींचना बेटा, प्यारे बच्चों शुरुआत से फोटो खींचना, ठीक है, एकदम यहां से फोटो खींच लो, फिर ये फोटो खींच लो बेटा, और इसकी भी बेटा जल्दी से फोटो खींच लो, और इसकी फोटो खींचने के बाद बच्चों फिर आ जाओ। अब हम लोग आते हैं बेटा प्राकृतिक विभिन्नताएं, प्राकृतिक विभिन्नताएं क्या होती हैं बेटा, एक ही जाति के दो जीव कभी कभी एक जैसे नहीं हो सकते। आपको पता होगा बेटा कि एक ही जाति के दो जीव जो होंगे बेटा वो आपके एक नहीं हो सकते हैं, मतलब एकदम एक जैसे नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। अगर हम जुड़वा बच्चों को छोड़ दें, जुड़वा बच्चों को आप छोड़ दो, तो बेटा जैसे मैं हूं बेटा मैं, तो आप मुझे देखोगे बेटा, हाँ आप मुझे देखोगे, मेरा डीएनए अलग अलग होगा और आपका डीएनए अलग अलग होगा। बेटा आप भी मानव जाति के हो, मैं भी मानव जाति का हूं, लेकिन हम लोग बेटा समान नहीं है, तो एक ही जाति के जीव बेटा समान नहीं हो सकते हैं, यहां तक कि एक ही माता पिता की सभी संतानें भी अलग अलग होती हैं। मैं बार बार कह रहा हूं जुड़वा बच्चों को छोड़कर, इनमें उपस्थित विभिन्नताओं को ही डार्विन ने विचलित विभिन्नताएं कहा। तो जैसे आप देखते हो कि माता पिता की जो संतानें होती हैं वो भी आपस में अलग अलग होती हैं, और ये माता पिता की संतानों में जो अंतर पाए जाते हैं, ये माता पिता की संतानों में जो अंतर पाए जाते हैं बेटा, इनको बोलते हैं डार्विन ने विचलित विभिन्नताएं। और ये विभिन्नताएं जो होती हैं बेटा, ये जैव विकास का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे छोटा घटक माना जाता है, मतलब बिना विभिन्नताएं के बेटा जैव विकास नहीं हो सकता। डार्विन का मानना था कि जीवों में अंतर, बेटा विभिन्नताएं का मतलब क्या होता है, विभिन्नताएं का मतलब होता है जीवों में अंतर पाया जाना, और ये जो जीवों में अंतर पाए जाते हैं इसी की वजह से बेटा जैव विकास हो पाता है। जी बेटा इसी की वजह से बेटा जैव विकास हो पाता है, तो ये आपका विभिन्नताएं बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्लियर हो गया होगा। चलो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर आते हैं प्राकृतिक वर्ण या बेटा उत्तर जीवता। तो प्राकृतिक वर्ण या योग्यतम की उत्तर जीवता क्या कहता है, इनका मानना था कि बेटा प्रकृति उन्हीं जीवों का चयन करती है जो अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। बेटा इनका मानना था, बेटा ध्यान सुन लो कि ये आपका क्या कहता है, मैं इसको आपको एक बार में समझा दे रहा हूं बेटा। योग्यतम की उत्तर जीवता क्या कहती है, योग्यतम की उत्तर जीवता कहती है बच्चों कि जो जीव अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेता है उन्हीं जीवों को प्रकृति, मतलब उनकी पीढ़ी को प्रकृति एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, मतलब एक से दूसरे पीढ़ी में जाएगा। जैसे प्रकृति में ठंडी पड़ रही है तो मैं ठंड से बच कर रहूंगा, जब मैं ठंड से बच कर रहूंगा तो मैं जीवित रहूंगा, और जब मैं जीवित रहूंगा तो मेरी आने वाली पीढ़ी भी आगे दिखाई देगी। तो बेटा क्या मानना था, जो जीव अपने आप को प्रकृति के अनुसार अनुकूलित कर लेता है वो जीव धरती पर जीवित रहता है, और जो जीव अपने आप को प्रकृति के अनुसार अनुकूलित नहीं कर पाता है वो जीव धरती से विलुप्त हो जाते हैं। बेटा आपने डायनासोर को देखा है, मतलब टीवी में देखा होगा, और आप सब लोगों में से, ठीक है, सब लोग मुझे कमेंट करके बताना कि डायनासोर की कोई पिक्चर देखी है, डायनासोर की कोई मूवी, है ना, मैंने तो देखी है जुरैसिक पार्क,
क्या आपने डायनासोर की वो मूवी देखी है? क्योंकि डायनासोर को हम लोगों ने किसी ने नहीं देखा है ना, बस टीवी में देखा है। तो ये जो डायनासोर थे बेटा, इन्होंने अपने आप को प्रकृति के अनुसार अनुकूलित नहीं कर पाया। जब डायनासोर ने अपने आप को प्रकृति के अनुसार अनुकूलित नहीं कर पाया, तो आज आप देख रहे हो डायनासोर धरती से विलुप्त हो गए। लेकिन बच्चों जिराफ, आप जिराफ को देखो, जिराफ ने अपने आप को अनुकूलित कर लिया। बेटा छोटे पेड़ पौधे खत्म हो गए थे, तो जिराफ बेटा गर्दन ऊपर कर करके बड़े पेड़ पौधों को खाने लगा, बड़े पेड़ पौधों को खाने लगा। तो जिराफ ने अपने आप को अनुकूलित कर लिया, इसलिए जिराफ आज भी धरती पर है। तो जो जीव अपने आप को अनुकूलित करेगा वो जीवित रहेगा, वो जीवित रहेगा, जो अनुकूलित नहीं करेगा वो धरती से विलुप्त हो जाएगा। तो प्रकृति उन्हीं की पीढ़ियों को आगे पहुंचाती है जो अपने आप को बेटा प्रकृति के अनुसार या वातावरण के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। ठीक है, यस बेटा, जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो सबसे योग्य होगा, मतलब जो अपने आप को ढाल लेगा वो जीवित रहेगा, जो अपने आप को ढाल लेगा बेटा वातावरण के अनुसार वो जीवित रहेगा। ठीक है, ये बेटा है योग्यतम की उत्तर जीविता, जो सबसे योग्य है वो जीवित रहेगा। और ये बेटा, ये जो योग्यतम की उत्तर जीविता आप देखते हो, ये शब्द बेटा किसने दिया था? ये दिया था बेटा हर्बर्ट स्पेंसर। ये शब्द बेटा किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। जी बेटा, चलो, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था बेटा इसको। क्लियर हो गया? चलो, और लास्ट नंबर बेटा, लास्ट नंबर बेटा हम लोग आएंगे इसके बाद। लास्ट नंबर बेटा हमारा क्या है? लास्ट नंबर है बेटा नई जातियों की उत्पत्ति। लास्ट नंबर बेटा हमारा क्या है? डार्विन का सिद्धांत, नई जातियों की उत्पत्ति। बच्चे नई जातियों की उत्पत्ति क्या कहती है? कि जीवों में उपयोगी विभिन्नताएं वंशागत होती हैं। विभिन्नताओं का मतलब होता है जीवों में पाए जाने वाले अंतर। तो बेटा ये जो जीवों में अंतर होते हैं, हमारे शरीर में कुछ अंतर लाभदायक भी होते हैं और कुछ अंतर बेटा लाभदायक नहीं भी होते हैं। तो जीवों में पाए जाने वाले वो अंतर जो हमारे लिए लाभदायक है, वो अंतर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचते हैं। तो जीवों में पाई जाने वाली लाभदायक विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचती रहती हैं, और हजारों साल बाद ये जो विभिन्नताएं होंगी वो एक साथ मिलकर एक नई जाति का विकास कर लेती हैं, और ये चक्र बेटा ऐसे ही चलता रहता है। और इसी तरह बेटा जो नई जातियां हैं उनका विकास होता रहता है। क्लियर है बच्चों? इसी तरह नई जातियों का विकास बेटा होता रहता है। जी बेटा, जल्दी बताओ बेटा, पांचों जो हमारे बेटा ये लक्षण, मतलब जो ये डार्विनवाद का सिद्धांत था, सबको क्लियर हो गया बेटा? पांचों क्लियर हो गया बेटा? अति जनन क्लियर हुआ, अस्तित्व के लिए संघर्ष क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई, जल्दी बताओ फटाफट। हाँ, क्लियर हो गया। चलो, तो एक फटाफट डीपीपी नोट कर लो जल्दी से, और फिर मिलते हैं हम लोग कल। और कल मैं आपको एक नया सिद्धांत पढ़ाऊंगा, उत्परिवर्तनवाद, और साथ में बेटा ये डार्विनवाद की आलोचनाएं भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आ जाओ जल्दी से बेटा, फटाफट इसका डीपीपी नोट कर लो आज का डीपीपी नोट कर लो। डार्विन का पूरा नाम, ठीक है, डार्विन का पूरा नाम, और सेकेंड क्वेश्चन, विश्व सर्वेक्षण जहाज का नाम, विश्व सर्वेक्षण जहाज का नाम, विश्व सर्वेक्षण जहाज का नाम बता देना बेटा फटाफट, सब लोग कमेंट करके इसका आंसर बताना। ठीक है, डीपीपी का रिजल्ट आएगा बेटा। ठीक है, यस बेटा, जी। और प्यारे बच्चों, सब लोग इसको सॉल्व करना। मिलेंगे हम लोग कल रात को 8 बजे फिर से,
और कल मैं आपको एक नया पढ़ाऊंगा बेटा टॉपिक उत्परिवर्तनवाद, और ये जो आलोचनाएं है बेटा डार्विनवाद की इसको भी पढ़ाऊंगा। तो सब लोग इसको अच्छे से सॉल्व करना, बताना मुझे, और प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों इस चैप्टर को खूब अच्छे से रिवीजन करना और अपना खूब खूब ख्याल रखना है।